न्यूयॉर्क के अंदर रिसर्चर्स को चींटियों की एक ऐसी किस्म मिली है जिसका नाम उन्होंने रखा है मैनहट आंट, क्योंकि किसी भी इंसान के हैट की तरह की होती है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम इफेक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे नहीं, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलते रहे। ऑन एन एवरेज जो नॉर्थ कोरियन होते हैं वो साउथ कोरियन से तकरीबन 3 इंच हाइट में छोटे होते हैं, जबकि ये पहले एक ही मुल्क होता था जिसको कोरिया कहा जाता था, लेकिन बाद में इन दोनों मुल्कों का आपस में बंटवारा हो गया, एक साउथ कोरिया बन गया और एक नॉर्थ कोरिया बन गया। अब साउथ कोरिया के जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारते हैं, बहुत ही डिवेलप कंट्री है जो है, वो टूरिज़म के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत ही एडवांस कंट्री है। लेकिन वहीं पर जो नॉर्थ कोरिया है डिक्टेटरशिप के अंडर चल रही है, वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं है, इनफैक्ट के बाल तक कटवाने की भी आज़ादी नहीं है। और वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो न्यूट्रिशंस प्लान होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ की वजह से उनकी जो हाइट होती है वो साउथ कोरियन की निस्बत 3 इंच छोटी होती है। पांडा के जू के अंदर जो फीमेल पांडा है उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई फीमेल पांडा प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर की जाती है, उसकी एक्स्ट्रा देखभाल की जाती है, उसको खाने में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है। तो ऐसे में कुछ फीमेल पांडा ने फ्रेक प्रेगनेंसी एक्ट करना शुरू कर दिया। अब कुछ महीने तक उनका ये एक्ट कामयाबी से चलता रहा, उन्होंने अपनी जो टमीज़ है उनको फुलाना शुरू कर दिया और ये एक्ट करना शुरू कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी बेस के ऊपर उनकी अच्छी खासी खातर तवाज़ा होने लगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो जू कीपर होते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तो फेक और एक्टिंग की जा रही है, जिसके बाद से उनको उनकी वापस रूटीन कर ले। टिमथी रिब्रॉन इस दुनिया के वो वाहिद इंसान है जो कि HIV को रिकवर कर गए, यानी कि एड्स जैसी बीमारी को रिकवर कर गए। असल इनका एक ट्रांसप्लांट हुआ था जिसमें इनके स्टेम सेल्स जो है वो चेंज किए गए थे। अब जिस इंसान ने उनको ये सेल्स दिए थे वो उसके जो जीन्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो HIV को आराम सुकून से कोर कर जाते थे, जिसकी वजह से उसके ट्रांसप्लांट की वजह से जब इनका दोबारा टेस्ट दिया गया तो पता चला कि इनको HIV है ही नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मस्त, शेयर करना मस्त। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।